कार्यक्रम के पुण्यार्चक है। आयोजक श्री कजाराट पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर रजिस्टर्ड जैगमपुरा गुरुग्राम। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम 32वें पावन चातुर्मास कलश स्थापना एवं गुरु पूर्णिमा महापर्व में। दर्शकों, हरियाणा के गुरुग्राम स्थित जैगमपुरा श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य मनोज्ञ धाम प्रणेता 21वीं सदी के वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज ससंग का गुरु पूर्णिमा महापर्व के अवसर पर 21 जुलाई 2024 को 32वां पावन चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का भव्यतम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का निर्देशन धर्मवत्स प्रभाविका छुल्लिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी द्वारा किया गया। इस पावन अवसर पर नगरवासियों में अपार उत्साह की लहर भी देखने को मिली। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। परम पूज्य मनोज्ञ धाम प्रणीता 21वीं सदी के वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज ससंग का हरियाणा के गुरुग्राम स्थित जैगमपुरा के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गुरु पूर्णिमा महापर्व के अवसर पर 21 जुलाई 2024 को 32वां पावन चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का भव्यतम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का निर्देशन धर्मवत्सल प्रभाविका क्षुल्लिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी द्वारा किया गया, जिसमें सम्मिलित होने वाले नगरवासियों में अपार हर्ष दिखाई दिया। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह के कार्यक्रम हेतु समस्त भक्त कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। इसके बाद ध्वजारोहण स्थल पर जय जयकारों की गूंज के साथ पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज ससंग का भव्य पदार्पण होता है। इस दौरान गुरुदेव कार्यक्रम स्थल को मंत्रित करते हैं। तदुपरांत ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के साथ ध्वजारोहणकर्ता परिवार का स्वागत सम्मान किया गया। इसके उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने चातुर्मास मंगल कलश स्थापना हेतु धर्म ध्वज फहराकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। ध्वजारोहण होने के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने मंच का फीता खोलकर उद्घाटन किया। तत्पश्चात आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज ससंग मंचासीन होते हैं। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने आचार्य ससंग को नमन वंदन किया। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। माता जी को इच्छामी निवेदित करें, इच्छामी माता जी। इसी बीच पंडित जी द्वारा उपस्थित महानुभावों को चातुर्मास की महिमा के बारे में बताया गया। दिगंबर मुनिराज के संपूर्ण जीवन की जो साधना होती है,
चातुर्मास में विशेष साधना होती है। पूरे साल की जो साधना है वो चातुर्मास के इन चार महीनों में केंद्रित हुआ करती है। इसलिए दिगंबर साधक चार महीने एक स्थान पर बैठकर के साधना करते हैं, विहार नहीं करते। कार्यक्रम के माध्यम से भक्तों को धर्म वत्सल प्रभाविका अक्षुल्लिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी का भक्तों को निर्देशन भी प्राप्त हुआ। चलिए एक बार पूर्ण ऊर्जा के साथ में गुरु नाम का जयकारा लगाते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 शांति सागर जी मुनिराज की जय हो। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महानुभावों का चातुर्मास कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यशाली भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ जी का चित्रानावरण किया। तदुपरांत भक्तों ने हस्तिनापुर वाले आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज का चित्रानावरण किया। बोले परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की बोल बोल परम पूज्य आचार्य। चित्रानावरण के उपरांत भक्तों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके बाद श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जयकमपुरा कमेटी ने आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज के श्री चरणों में नगर में चातुर्मास प्रदान करने हेतु श्री फल चढ़ाकर निवेदन किया। तदुपरांत महिला मंडल द्वारा सामूहिक रूप में मंगलाचरण रूप भजन प्रस्तुत किया। जो मंगल चार जगत में हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगल में श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। जय हो बीच भक्तों को मंच संचालनकर्ता कमलेश बसंत जी द्वारा गुरुदेव की महिमा से अवगत कराया। गुरुग्राम वासियों, आज पहली बार आपका गुरुग्राम नाम सार्थक हो रहा है। गुरुग्राम गुरु पूर्णिमा महोत्सव 21वीं सदी के वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरुदेव ज्ञान भूषण जी महाराज का प्रवास और वो भी चातुर्मास के साथ। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं मेरे गुरुदेव को भले लच्छेदार बातें बनाना नहीं आती हों, ध्यान से सुनना, मेरे गुरुदेव को भले लच्छेदार बातें बनाना नहीं आती हों, लेकिन इन गुरुदेव के चरणों में जो एक बार पहुंच जाता है उसके जीवन का लक्ष्य तय हो जाता है। मेरे गुरुदेव ज्ञान भूषण जी महाराज के चरणों में बड़े भीड़ ना आती हो, लेकिन उनके चरणों में नीड आती है, नीड। इसके उपरांत चातुर्मास कलश स्थापना समारोह हेतु उपस्थित हुए भक्तों को आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज की मंगलमय वाणी श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। बंधुओं, आप सभी यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव मना रहे हैं, गुरु का क्या अभिप्राय है? गुरु में दो अक्षर है, एक गु और एक रू। गु माने अंधकार और रू माने नाशक।
जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देते हैं, ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन करा देते हैं, बंधुओं वो कहलाते हैं गुरु। जो हमारे अंतरंग से अज्ञान रूपी अंधकार को दीपक कर दूर करके ज्ञान का दीपक जला देते हैं वो कहलाते हैं गुरु। बंधुओं, सबसे पहला गुरु तो माँ होती है, ध्यान रखना। जो माँ, एक तो माँ होती है और एक मामा होता है। माँ में तो केवल एक माँ है, मामा में दो माँ हैं और तीसरे हैं गुरु माँ। बंधुओं, माँ को गुरु क्यों बताया? क्योंकि सबसे पहले संस्कार माँ ही अपने बच्चों को देती है। इसके उपरांत उपस्थित भक्तों के समक्ष चातुर्मास के मंगल कलशों को प्राप्त करने का अवसर आया, जिसमें समग्र दर्शन, समग्र ज्ञान एवं चारित्र कलशों को सौभाग्यशाली भक्तों ने प्राप्त कर स्वयं को धन्य किया। मंगल कलश प्राप्त करने वाले भक्तों को गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद। गुरु भगवान है मेरे, गुरु सरताज है मेरे, गुरु भगवान है मेरे, गुरु सरताज है मेरे, गुरु ही रहनुमा मेरे, गुरु आभूषण है मेरे, गुरु ही रहनुमा मेरे, गुरु आभूषण है मेरे। और एक बात मैं तुमको बताता मेरे बंधुओं, और एक बात मैं तुमको बताता मेरे बंधुओं, गुरु ही साधना मेरी, सिद्ध भगवान है मेरे। उठे ऊंचा कोई कितना वो अंबर हो नहीं सकता, बढ़े आकार पर कतरा समंदर हो नहीं सकता, दहकती आग में तपता दमकता तब है कुंदन सा, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। इसके उपरांत उपस्थित भक्तों के समक्ष चातुर्मास के मंगल कलशों को प्राप्त करने का अवसर आया, जिसमें समग्र दर्शन, समग्र ज्ञान एवं चारित्र कलशों को सौभाग्यशाली भक्तों ने प्राप्त कर स्वयं को धन्य किया। मंगल कलश प्राप्त करने वाले भक्तों को गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तदुपरांत एक बालिका द्वारा भक्ति से ओतप्रोत नृत्य की प्रस्तुति दी। जन्मों जन्म का मैंने फेरा है लगाया, आखिर में जाकर के जैन धर्म है पाया, पाकर के लगे ऐसा मन में जैन ही न था हर जन्म में, जैन ही मैं रहूंगा हर जन्म में, कसम की कसम है कसम से, मुझको नाज है जैन धर्म पे। बालिका के नृत्य प्रस्तुति के बाद महिला मंडल द्वारा भी अनूठा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में बाल मंडल के बच्चों ने भी अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति दी। नृत्य प्रस्तुति के उपरांत महिलाओं द्वारा गुरु भक्ति से सराबोर भजन प्रस्तुत किया गया। धर्म
धर्म वत्सल प्रभावी कक्ष शिल्लिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी द्वारा भक्तों को गुरु के प्रति समर्पण क्या होता है इसके बारे में बताया गया। गुरु जीवन में एक होते हैं, हमें अपना सुख दुख बांटना है, हमें अपने अपने अपनी श्रद्धा का कलश जिनको अर्पित करना है वो एक ही होते हैं, लेकिन आपका श्रद्धा और विश्वास और भक्ति प्रत्येक साधु के लिए एक जैसी होनी चाहिए। तदुपरांत जयकमपुरा के भक्तों द्वारा आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज का पूजन किया गया। इस दौरान भक्त क्रमानुसार गुरु चरणों में द्रव्य अर्पण कर रहे थे। और कौन कौन भक्त है मेरे गुरुदेव के? मैं भक्त तेरा हनुमान। पूजन के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव को मां जिनवाणी प्रदान की। मां जिनवाणी प्रदान करने के बाद भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत चातुर्मा स्थापना समारोह में उपस्थित हुए महानुभावों का श्री संदीप जैन जी ने आभार व्यक्त किया। गुरु भक्त जो आज गुरुग्राम में यहाँ पर पधारे हैं उनका गुरुग्राम जैन समाज की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और आपका जो पुण्य आपने अर्जित किया उसकी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। इसके पश्चात उपस्थित समस्त भक्तों ने आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज की मंगल आरती की। इस प्रकार से जयकमपुरा की पावन धरा पर हुए आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज सत्संग के चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें भक्तों ने उपस्थित होकर असीम गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, गुरुग्राम के जयकमपुरा में परम पूज्य मनोज्ञधाम प्रणेता 21वीं सदी के वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज सत्संग का उत्साहपूर्वक चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भक्तों को गुरु भक्ति का अवसर भी प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर रजिस्टर्ड जयकमपुरा गुरुग्राम।